हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आपके सामने आया हूं फिर आपके सवालों का जवाब देने के लिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका मेन कंसर्न है कि जो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनका फीस क्या है, उसी से रिलेटेड अपन इसमें बात करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में टोटल देखिए 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। कोई भी बच्चा जो अगर इस वीडियो को देख रहा है, चाहे आप कहीं से भी हो, इंडिया के किसी कोने से में हो, चाहे आप फॉरेन में भी हो, आप छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसको हम लोग SSIMS बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म श्री संग्रह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दूसरा है SBIMS, इसको हम लोग बोलते हैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और तीसरा है RIMS, जिसको हम लोग बोलते हैं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हर जगह पे आपको 150 सीट्स हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि छत्तीसगढ़ में आपको फीस भी इन प्राइवेट कॉलेजेस का कम है और इस साल और कम किया गया है, और मैं आपको पूरे फीस बताऊंगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कट ऑफ भी कम ही जाता है। तो मैं पूरे इंडिया के बच्चों को आह्वान करूंगा कि प्लीज आप छत्तीसगढ़ में आइए। यहाँ के जो एडमिशन होता है वो छत्तीसगढ़ की काउंसिलिंग जो CGDMA करती है उसके अंतर्गत होता है, और आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए। चलिए हम लोग वापस वीडियो में लौटते हैं। तो मैं सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको जो मैं वीडियो ये बनाया हूँ वो SSIMS के फीस के बारे में मैंने बताया है, और इस साल फीस कम हुआ है, बढ़ा है, कम भी हुआ है, तो कैसे कम हुआ है पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको ये जानकारी दूंगा। आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे। तो पहला फीस, दूसरा जो होता है वो होता है कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स, और तीसरा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। मतलब SSIMS में मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, SBIMS में मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, RIMS में 3 वीडियो बनाऊंगा। पहला फीस, दूसरा कट ऑफ, और तीसरा जो रहेगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पूरे 9 वीडियो जरूर देखें लास्ट तक, जो आपको एक दो दिन के गैप पे डेली हम लोग अपलोड करेंगे। और उस अगर आप इतना वीडियो देख लेते हैं तो आपको यहाँ के प्राइवेट कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे पास जो सबसे ज्यादा क्वेरी आया है वो ये आया है कि सर SSIMS का फीस क्या है, SBIMS का फीस क्या है, या RIMS का फीस क्या है। सर आप कुछ और बता रहे हैं, कॉलेज में फोन करते हैं या कहीं इधर उधर से पता करते हैं तो कुछ और होता है। तो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा लेकर आ पाया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि इस साल आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या फीस रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने एक नोटिस एक्सट्रैक्ट किया है, ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने एक नोटिस निकाला है, ठीक है। ये संकरा SSIMS की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं वहीं से लेके आया हूँ, मैंने अपना खुद कुछ नहीं बनाया है। और ये जो है ये बता रहा है 2022-23 का फीस। देखिए SSIMS जुनवानी भिलाई फी स्ट्रक्चर फॉर MBBS एडमिशन बैच 2022-23। अब इस फीस को थोड़ा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इस फीस में क्या दिया हुआ है। ट्यूशन फीस आपको 6,45,000 जो 2022 में था, कॉशन मनी 20,000 वन टाइम होता है, बाद में आपको रिफंड मिलेगा। हॉस्टल मेस एंड एमिनिटी, हॉस्टल मेस चार्जेस 2,27,700 रुपए, क्लिनिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1,00,000 रुपए, एम्यूनिटीज चार्जेस 50,000 रुपए, स्टूडेंट वेलफेयर फीस, स्पोर्ट्स एंड जिमनेस्ट यूनिफॉर्म एस्पेरॉन आईडी कार्ड प्रैक्टिकल मैनुअल एडमिशन फॉर्म ETC 60,000 रुपए, मिसलेनियस में कल्चरल एनुअल डे एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर ETC 80,000 रुपए, स्किल लैब फीस 80,000 रुपए, और टोटल मिला के आपको 12,62,856 रुपए, 12,62,856 ये टोटल फीस है था 2022 में। अब इस बार चेंज हुआ, अब इस बार क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार इस फीस को 20% इंक्रीज कर दिया गया। आप बोलोगे सर आपने बोला था डिक्रीज हुआ, बिल्कुल डिक्रीज हुआ, लेकिन पहले इंक्रीज करके डिक्रीज किया गया। इस फीस को 20,000 रुपए इंक्रीज किया गया है, और साथ में पर स्टूडेंट एक 25,000 रुपए एनुअल जोड़ा गया है, जो आपको स्टूडेंट वेलफेयर मतलब स्टूडेंट इंस्टीट्यूट स्टूडेंट डेवलपमेंट फीस है। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे ना, इसमें 20% जोड़ के 25,000 जोड़ेंगे तो टोटल ये लगभग 7,99,000 कुछ रुपए के आसपास आता है। मान लीजिए 7,99,000 रुपए अपन जोड़ दिए, ठीक है। इसके अलावा कॉशन मनी आपको 5,000 रुपए बढ़ाया गया, जो 25,000 रहेगा, जो आपका रिफंडेबल रहेगा। हॉस्टल एंड मेस ये और ट्रांसपोर्टेशन इसको कर दिया गया है ऑप्शनल। अब आप बोलोगे सर आप बोलते हो ऑप्शनल और अदर जगह पता चलता है ऑप्शनल नहीं, मैं आपको इसका प्रूफ दे रहा हूं ना, मैं आपको इसका प्रूफ CGDMA की वेबसाइट पे जो नोटिस अपलोडेड है उसको डाउनलोड करके मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आप उसको डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं, और उसके पीछे पूरा रीजन बताऊंगा मैं।
मेरा ये जो वीडियो है वो SSIMS के फीस की रिगार्डिंग है कि SSIMS का इस साल फीस क्या रहेगा, और आप यकीन करें वही रहेगा। एमिनिटीज चार्जेस जो है वो हटा दिया गया है, और रेस्ट जितनी भी फीसेस है वो हटा दी गई है, और इसको जो है ऑप्शनल कर दिया गया है, और इसको भी बोला गया है कि आप रन करें नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, CGDME की वेबसाइट पे बीइंग नोटिस, जो AFRC जो फीस रेगुलेटरी बॉडी है उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिए यहीं पे ट्विस्ट है, मेन कहानी यहीं पे है। तो यहां पर जो दिया गया है वो क्या है कि एज पर द ऑर्डर ऑफ DME, जो DME का ऑर्डर है, एज पर द DME ऑफ रायपुर, बैंक गारंटी ऑफ 1 ईयर, मतलब आपको 1 साल का फीस जमा करना है और 1 ईयर ट्यूशन फीस जो है एज अ बैंक गारंटी जमा करना है, जिसका एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, बहुत इजी है, बैंक के द्वारा बन जाता है, अगर आपके पास कुछ उसके बदले रखने के लिए, मॉर्गेज रखने के लिए कुछ है। ठीक है, ये आप समझ गए, मतलब ये लोग भी डीएमई की बात मान रहे हैं। दूसरा, अब देखिए ये मेन पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ इस नोटिस को निकालने का, वो है पॉइंट नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ, एनुअल ट्यूशन फीस फ्रॉम एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमिटी, AFRC, इसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमिटी, इसी के द्वारा जो फीस डिसाइड होता है ना, इज इंट्री मतलब सर्वमान्य। ठीक है, इनके जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और AFRC अगर इस साल फीस बदल रहा है तो कैसे नहीं मानेंगे, ये इनके नोटिस में ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, आप ये नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं SSIMS के वेबसाइट पे जाके। ठीक है, फीस रिजोल्यूशन डेट जो इन्होंने जो चेंज किया था वो लिखा हुआ, फाइनल फीस अप्रूव्ड बाय AFRC, जो AFRC के द्वारा जो फीस अप्रूव्ड है विल बी मैंडेटरी, मतलब कंपलसरी रहेगा टू स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूट। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर ये बात लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियर ये बातें लिखा गया, इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन फीस एप्लीकेंट हैव टू पे बैलेंस अमाउंट, अगर इंक्रीज होगा तो बैलेंस अमाउंट, और अगर कम हो गया तो कम ही देंगे, सीधी सी बात है। अब आप बोलोगे सर आप इतने दावा के साथ कैसे बोल सकते हो कि ये सब चीजें जो मैंने आपको भी बताया था हुआ है, तो इसके लिए ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात AFRC बोल रही है, और पूरे नोटिस उन्होंने दिया है, काफी लंबा चौड़ा नोटिस है, आपको मैं वो नोटिस ओपन कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए इसका नोटिस मैंने डाउनलोड किया है ना, ये रहा, ये देखिए, अब इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं, मेरी आवाज पहुंच ही रही होगी। हाँ, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर, ये ठीक है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये आपको नोटिस है अवेलेबल, आप अगर चाहते हैं इस नोटिस को देखना तो आप CGDME की वेबसाइट पर जाइए, उसके नोटिस सेक्शन में 21 मार्च 2023 को डेट में ये नोटिस अपलोडेड है। ये लगभग अप्रोक्स आपको कितने पेजेस का है मैं बताता हूं, ये लगभग 44 पेजेस का नोटिस है, और इसमें जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। मैं अभी इस वीडियो में जो बात कर रहा हूं सिर्फ बात कर रहा हूं SSIMS के फीस के बारे में, और जो SSIMS का फीस है उससे 50,000 रुपया कम आपको रिम्स का होगा, और वही फीस लगभग आपको SBIMS का है, 100-200 रुपये का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इस नोटिस को देख सकते हैं, 13 मार्च 2023 को अप्रूव हुआ है। ठीक है, ये अप्रूव जो हुआ है उसमें आपको नीचे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम पे तथा आदेशानुसार ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा CG DME मतलब छत्तीसगढ़, DME रायपुर, रिसीप्ट नंबर डेट है ना, इनका मोहर भी है यहाँ पे, सिग्नेचर भी है। ठीक है, अब इसका फीस के बारे में समझ लीजिए क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 3 कॉलेजेस के बारे में बात किया गया, SSIMS, रिम्स बालाजी, SBIMS। SSIMS में जो किया गया है वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षण किया गया, कौन कौन से ईयर के स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल है, तो देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2022-23, मतलब जो हम लोग हैं वो 2023-24 है, 23-24 उसके पहले वाले स्टूडेंट के लिए भी, मतलब जो 1 साल पहले एडमिशन लिए उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, और आने वाले 1 साल बाद वाले स्टूडेंट के लिए भी है। एवरेज जो रैंकिंग दिया गया है कॉलेज को, एवरेज रैंकिंग दिया गया है, रैंक्स को एवरेज दिया गया है, और SBIMS को अच्छा दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए फीस इंक्लूसिव ऑफ ग्रोथ, OFO लिखा गया, OF है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चार्जेस, वेटेज एंड ऑल अदर मिसलेनियस फीस पर ईयर, मतलब सारे मिसलेनियस फीस जोड़ के पर ईयर ये, और इसके नीचे में पूरा डिटेल इसके बारे में लिखा गया, मैं हर एक पॉइंट बताऊंगा, अब वीडियो में बने रहिएगा, आपको आज के बाद कभी भी फीस इस साल के SSIMS के रिगार्डिंग आपको डाउट नहीं होगा। चलिए अब ये फीस देखिए क्या लिखा हुआ, 7,99,187 रुपया, मैंने जो आपको बताया था
जो पिछला फीस था उसमें 20% बढ़ाया गया है ट्यूशन फीस में, और 25,000 रुपए इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फीस जोड़ के ये फीस किया गया है, बाकी सारे फीसेस को हटा दिया गया है, मेस हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्टेशन को ऑप्शनल कर दिया गया है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं देना है, यूज कर रहे हैं तो ही दीजिए, और वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। अभी अगर देखिएगा तो मेस और हॉस्टल मिला के लगभग लगभग 20,000 रुपए पर मंथ आपका खर्चा जाएगा, जो अगर आप बाहर में रहते हैं या कहीं अगर आप घर से अप एंड डाउन करते हैं तो काफी मनी आपको पर मंथ बच जाएगा। तो ये चीज रहता है पर ईयर है, ये फीस आपको 4.5 साल देना है, ये एक साल का फीस है, पर ईयर कोर्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर एंड फॉर रिमेनिंग हाफ ईयर, ये मतलब 4.5 साल तक आपको फीस देना है। यही बात आपको देखा जाए तो रिम्स का आपको इसमें 50,000 रुपये कम कर दीजिए, और इसमें कुछ 100 रुपये का अंतर रहता है, ये मतलब 100 रुपये, ये 100 रुपये बोल रहा हूँ, 1,000 रुपये ये ज्यादा है, ठीक है, बस यही अंतर है, ये 1,45 है, नहीं 1,000 रुपये नहीं, 5,000 रुपये ज्यादा है, ये 50 है, ठीक है, बस यही अंतर है। अब जो मैंने आपको बताया उसके बारे में, सबसे पहले तो मैं इस नोटिस की ऑथेंटिसिटी मैंने आपको चेक करा दी, ये नोटिस जो है CGDMA की वेबसाइट से लिया गया है, इसमें CGDMA का मोहर है, पूरे सिग्नेचर्स दिए गए हैं, आपको डेट है, आप 21 मार्च के डेट में चले जाइए, इस नोटिस को अपलोड किया गया। अब इस नोटिस में क्या है वो मैं आपको बताते जाता हूँ, ये देखिए ये जो नोटिस है इसके अलावा और कहाँ कहाँ भेजा गया इसके बारे में बताया गया, विशेष सहायक माननीय मंत्री जी है ना, बहुत सारे लोगों को ये नोटिस दिया गया, कॉलेज में भी गया है, और AFRC ने ही इस नोटिस को रिलीज किया है, उस नोटिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 12 पे, जिसमें आपको पूरी डिटेल जानकारी दी गई है, ये रहा पेज नंबर 12, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें ये बात बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य संपन्न राज्य नहीं है, इस राज्य में वर्ष 2012 से 21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय कम है, MP जो इससे अलग हुआ था, जहां से अलग हुआ था वहां पे थोड़ा ज्यादा है, और महाराष्ट्र में ज्यादा है, मतलब छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फीस डिसाइड हुआ था ना, तो उसके लिए जो AFRC की जो कमिटी बैठी थी उन लोगों ने मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र, देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों क्लोज स्टेट है, मैं पूरे इंडिया के बच्चों को बोलूंगा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, छत्तीसगढ़ अपना ओपन स्टेट है, बाहर के बच्चे यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में आके एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग आपको CGDMA के थ्रू होगा, और आप उसके लिए मतलब 64 सीट्स पर कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बात बताया गया है कि जो महाराष्ट्र है वहां का थोड़ा पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो इस चीज को एक पैमाना रखा गया है और उसके बाद आपको फीस डिसाइड किया गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मेन जो शुरू हो रहा है यहाँ पे 14 नंबर पे, ये देखिए 14 नंबर में उन्होंने क्या लिखा है, जो है पूर्व में इन दोनों संस्थाओं में ये बात हो रही है SSIMS और रिम्स के बारे में, MBBS कोर्स हेतु शिक्षण सत्र 19-20, 20-21 और 21-22 के लिए निम्नानुसार फीस को पुनरीक्षण किया गया था, जो पुनरीक्षण किया गया था उस समय जो फीस था, देखिए 6,45,156 रुपया देख सकते हैं 19-20, 20-21, 21-22, ठीक है, और ये जो रिम्स का है वो देखिए 19-20, 20-21, 21-22 का 6,00,000 रुपया, मतलब इससे 45,000 रुपया कम था, ठीक है। अब इसको जो है चेंज करके, इसको जो चेंज करके जो किया गया उसके बारे में आपको बताता हूं, चलिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे आ जाइए, देखिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम क्लियर इसमें लिखा हुआ है, बहुत पूरे ध्यान से देखिएगा, इस तरह महंगाई दर का मूल्य सूचकांक, थोक सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सभी को सम्मिलित रूप से देखते हुए पूर्व में निर्धारित शुल्क में 20% राशि वृद्धि की जाना समुचित प्रतीत होता है, मतलब पुरानी राशि को 20% बढ़ाया गया है, और इसके अतिरिक्त भविष्य विकास के लिए 25,000, मतलब इंस्टीट्यूट के भविष्य विकास के लिए 25,000 रुपए प्रति छात्र की दर से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, ठीक है। तदनुसार यह समिति शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़ रायपुर इंस्टीट्यूट, ये सब के बारे में, और आपको यहाँ पे देखिए फीस लिखा हुआ है, ये शंकरा का फीस है, ठीक है। थोड़ा सा अगर अगले पेज में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए रायपुर का फीस है, रिम्स का फीस है ना, SBIMS का लास्ट में दिया गया, और इसके नीचे जो चीजें लिखी गई है मैं उस पर ध्यान दिलाऊंगा। अब ये पॉइंट नंबर 25 से हम लोग शुरू करेंगे और एक एक पॉइंट मैं डिटेल में पढ़ूंगा, आराम से पढ़ूंगा और आपको आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। यही पे आपको पूरे फीस का सार दिया हुआ है। अब देखिए क्या लिखा हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे आ जाते हैं अपन। छात्रावास, मेस और कॉलेज आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी। ये बात मैं नहीं, आप नहीं, AFRC बोल रही है।
कॉलेज के इंस्टीट्यूट में नोटिस है जिसमें ये किया गया है, लिखा गया है एएफआरसी जो भी फीस डिसाइड करेगी वो इंटरिम होगा और वही इंस्टीट्यूट और बच्चों के मानने के लिए कंपलसरी रहेगा और उनके द्वारा ये चीज लिखा गया है। आप देख सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप नोटिस उठा के देख सकते हैं। प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करे, यह स्वैच्छिक है। छात्रावास मेस एवं ट्रांसपोर्टेशन शुल्क ना लाभ ना हानि के आधार पर केवल उपभोक्ता छात्र छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा। एकदम क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, सारी राज्य इसी में है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं, यह रहा दूसरा पॉइंट 26 नंबर, इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 26 नंबर में, क्या लिखा हुआ है देखिए, संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो भी फीस ली जाएगी उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाइट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रोस्पेक्टस में उल्लेखित होगी। ट्यूशन फीस के अलावा अगर देखो, एक तो हो गया ये ट्रांसपोर्टेशन मिस और हॉस्टल से अपन फ्री हो गए, ठीक है, अगर अपने को नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते, लेकिन पिछले साल तक मतलब इस साल के पीछे वाले बच्चों के लिए कंपलसरी रहेगा वो, तो क्योंकि पुराना रूल चलेगा और अभी तक कंपलसरी था, अभी हटाया गया, अच्छा हुआ। चलिए आगे देखते हैं, प्रोस्पेक्टस काउंसलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे। अनिवार्य रूप से आपको पहले बताना है कि ट्यूशन फीस के अलावा कुछ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तथा प्रोस्पेक्टस की एक प्रति और फीस विनिमय सचिवालय में जमा करनी होगी। मतलब वो प्रोस्पेक्टस बना दिए बस नहीं, उसका एक कॉपी एएफआरसी के पास भी जाएगा और वहां पे फिर से वो अपडेट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है, संबंधित संस्था अपनी उच्च फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क लाइक यूनिफॉर्म, मतलब जो मैंने ट्यूशन फीस बताया था संकरा का 7,99,000 कुछ रुपए, उसके अलावा कोई भी अदर शुल्क, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो आईडी कार्ड हो, है ना, देख सकते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी कार्ड हो जो उसमें लिखा हुआ था, चाहे लेबोरेटरी हो, लेबोरेटरी भी लिखा हुआ था याद आ रहा होगा, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें भी लिखा हुआ था, खेल कूद स्किल लैब उसमें लिखा हुआ था, एनएसएस फीस आदि मदों, भवन फर्नीचर उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है नहीं कर सकेगी, इसका मतलब ये है कि कॉलेज वाले सिर्फ आपसे ट्यूशन फीस लेंगे जो एसएसआईएमएस का 7,99,000 रुपया पर एनम है जो आपको 4.5 सालों तक देना है अगर आप हॉस्टल मेस और ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं कर रहे हैं। कल तक ये कंपलसरी था, अभी ये कंपलसरी हट गया है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है उन बच्चों के लिए जिनकी इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर जिनको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। आगे देखिए, संस्था छात्र के रूप से रुपया 25,000 प्रति छात्र एक मुश्त प्रवेश के समय कौशन मनी के रूप में प्रावधानित है, मतलब कौशन मनी जो 20 था ना उसको बढ़ा के 25 कर दिया, देखिए 5,000 में कोई अंतर नहीं आएगा और वो आपको वापस में मिल जाएगा। चलिए इस पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लिखा गया, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट रखवा लेते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमको ये किया जाता है, वो सब कुछ नहीं हो सकता, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, आप इसमें कंप्लेन करने का भी तरीका दिया हुआ है। देखिए, संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेने अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना कैपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के ऊपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। देखिए क्लियर लिखा हुआ है। आगे, यह फीस शिक्षण संस्था सत्र 2022-23, 23-24 और 24-25 में प्रवेशित छात्रों के लिए ही लागू होगा, यही फीस पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए लागू रहेगी। क्लियर लिखा हुआ, मतलब आप बीच में बदलेगा भी नहीं, 4.5 साल तक आपका यही रहेगा, ठीक है। आगे, विद्यालय शुल्क एवं काउंसलिंग शुल्क, जो एक्स्ट्रा जो का कॉलेज फीस ले सकता है ट्यूशन फीस के अलावा, वो है विद्यालय शुल्क और काउंसलिंग शुल्क, राज्य शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा। उनके द्वारा नियमों के तहत लेंगे तो बहुत कम फीस होता है, वो आपसे कोई बहुत ज्यादा फीस चार्ज नहीं किया जा सकता। अब ये देखिए, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, मतलब 7,99,000 जो भी है पैसा बताए हैं एसएसआईएमएस का अधिकतम है, संस्था चाहे तो उससे कम भी ले सकती है, हालांकि वो लोग लेते नहीं है, कोई भी नहीं लेता, लेकिन वो अधिकतम है, ठीक है। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
संस्था द्वारा छात्र के प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र जैसे दसवीं का, मतलब केवल वो जो रख सकते हैं टीसी या माइग्रेशन एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों तो वैसे भी रखते हैं ये लोग, का मूल प्रमाण पत्र रखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकते हैं, स्क्रूटनी करके वापस करना है, यही बात लिखा हुआ है। जैसा दसवीं का बारहवीं की मूल अंक सूची, मूल निवासी, निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया जाना है, क्लियर लिखा हुआ है, जमा नहीं कराया जाना है, केवल सत्यापन हेतु इसका अवलोकन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, आप सब कुछ आपके सामने है एकदम। अब देखिए यहाँ पर, देखिए और आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जैसे ये तो आप एक साल का फीस जमा करा दी, अगले सेमेस्टर में जैसे आप फीस अगर आप लेट से जमा कराएंगे ना, तो आपको 100 रुपीज पर डे एक महीने के लिए, और एक महीने से ज्यादा होगा तो 200 रुपीज पर डे के लिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चार्ज किया जाएगा। चलिए, तो मैं इन्हीं सब चीजों को आपको बताना चाहता था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जो फीस है वो आपको जो है आप क्लियर देख सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में और भी जानकारी अगर चाहिए तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है ये बहुत डिटेल में पूरे 44 पेजेस के नोटिस है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूं मैं। 14 नंबर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14 नंबर पे मैंने पूरे नोटिस को पढ़ा और कोशिश किया कि आपके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा मैं नॉलेज गेदर कर सकूं। देखिए यहां पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है ना, ये देखिए, AFRC द्वारा अधिनियम, ये सब नियम कानून से बनाया गया है, ये सारे नियम कानून से बनाया गया है। ये देखिए पूरे नोटिस है आपको, ये पूरे नोटिस है, इसको पढ़ेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है संकल्प दिनांक 13/1/2023 को जो प्रकाशित हुआ, मतलब यहाँ से लिया गया था, उसको बनाया गया था। और इसमें क्या है ना, देखिए कॉलेज वालों को से पूछा गया था ना, उन्होंने काफी ज्यादा फीस का डिमांड किया था कि हमें इतना फीस लेना है। ठीक है, देखिए AFRC इस संकल्प द्वारा श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ एवं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भान सोज रोड गौरी रायपुर छत्तीसगढ़ में संचालित MBBS पाठ्यक्रमों में फीस का पुनरीक्षण सेक्शन सत ये एवं ई के लिए अंतरिम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अंतिम रूप दिया, अंतिम रूप से किया जा रहा है, यही फीस रहना चाहिए इस सत्र, पिछले वाला, इस सत्र और इसके आने वाले सत्र, और ये तीनों कॉलेजेस के लिए है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, थोड़ा समय का वेट करिए, आज नहीं तो कल कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ यही आपको ऑथेंटिक फीस है और यही आपसे चार्ज भी करेंगे। और अगर किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में डाउट हो, आपके दिल में कोई भी डाउट हो, प्लीज आप हमारे वीडियो पे कॉमेंट करें, मैं एक वीडियो बना के आपको उसको डाउट को और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपने देखा, इसका नेक्स्ट सीरीज जब आप देखेंगे तो SSIMS के सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ के बारे में आप देखेंगे। थैंक यू।